अनुसार सीमित मात्रा में पंडाल बनाने के लिए और छोटा मूर्ति देने का अनुमति दी गई है। हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाएंगे ये पंडाल को। ये सेक्टर 12 का दुर्गा पूजा पंडाल है, जो यहाँ पर पहले बहुत बड़ा पंडाल बनाया जाता था, लाखों रुपये का पंडाल बनता था, जो कि पूरे बोकारो स्टील सिटी में पहले ये अपने स्थान पहले स्थान पर या दूसरे स्थान पर रहता था। हम अपने सहयोगी को कहेंगे आगे की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, लोग बहुत दिन बाद घर से निकले हैं माता के दर्शन के लिए। आगे आगे आएंगे, देखेंगे। आगे हम मूर्ति के पास चलते हैं, देखते हैं। यह है माता का मूर्ति, जो कि यह है। अभी लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, और हम आपको बता दें कि कोरोना काल भी चल रहा है, जिसमें कोरोना का गाइडलाइन का पालन भी करना है और अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, जो कि पंडाल में जिला प्रशासन के द्वारा छोटे बच्चों को आना मना किया गया है। नियम अनुसार जो भी हम आपको बता दें कि यहाँ पर पंडाल में जो है छोटे बच्चे को आने के लिए मना किया गया है, और सभी लेकिन भीड़ बढ़ते जा रही है। हम अपने सहयोगी को कहेंगे इधर का नज़ारा दिखलाएंगे, और अब हम बाहर की तरफ निकलते हैं। आइए बाहर की तरफ, अब बाहर का नज़ारा दिखलाते हैं आपको हम। यहाँ पर बहुत सारे लोग मास्क लगा के भी आए हैं, और बहुत सारे लोग मास्क नहीं भी लगाए हैं। हम आपको बता दें ये सेक्टर 12 का पूजा पंडाल है, जो कि भव्य पूजा होता था, लेकिन 2 साल से कोरोना के कारण ये पूजा नहीं हो पा रहा है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनका भी राय जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। भाई साहब, बहुत दिनों बाद पूजा के लिए घर से निकले हैं, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, पहले से ज़िंदगी वापस आ गया। ज़िंदगी वापस आ गई तो फिर मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क बहुत को लोग नहीं लगाए हुए थे, हम लोग भी नहीं लगाए। मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है यहाँ, देखिए तो कहीं भी नहीं है, ना प्रशासन है ना कोई है, कुछ नहीं है। प्रशासन की इसकी धज्जियाँ उड़ा रही है। आप क्या कहेंगे? 5 मिनट के लिए मास्क खोल सकते हैं ना? खोल सकते हैं, तो मास्क को लगाना जरूरी है। हाँ तो जरूरी है, तो हम खत्म नहीं। हाँ वो हम लोग को भी पता है, तो 2 मिनट या 3 मिनट के लिए सांस। मैडम का कहना है कि दो मिनट के लिए मास्क खोल सकते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है सांस लेने के लिए। यहाँ पर हम कुछ दिखलाना चाहेंगे, सभी लोग अपने सेल्फी ले रहे हैं। इधर इधर दिखाइएगा, इधर 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 दिखाइएगा, इधर में ये सेल्फी ले रहे हैं लोग, सभी अपने अपने घर से निकले हैं, है ना। ये कोरोना जो है सबको क्षति पहुंचाया है। हम आपको बता दें कि सरकारी प्रावधान के अनुसार बहुत सारे नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कहना है कि यहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। इसका असर तो व्यवसाय पर भी पड़ा है। हम अपने सहयोगी से बोलेंगे जरा फील्ड की तरफ का नज़ारा दिखाएंगे, जो कि यहाँ पर बड़े बड़े झूला लगते थे, लेकिन अभी कुछ नहीं है, पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है। अभी लोगों की भीड़ बढ़ रही है, और भी लोगों से हम आपसे बात करते हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे, आपको मेला के अंदर ले चलते हैं। आइए हम भाई साहब, आप बहुत दिन बाद मेला घूमने के लिए आए हैं दुर्गा पूजा, क्या कहेंगे? आता है ना सर, तुम पहले की तरह तो ऐसा रौनक नहीं है सर, पहले की तरह क्यों नहीं है? यही सर जो बीमारी है सर, इसी को कोरोना की वजह से। कोरोना
कोरोना की वजह से। हाँ जी सर, सब कोई अपना अपना उसी हिसाब से चल रहा है, समझिए सर। ठीक है, कोरोना का डर है तो आप मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क सर है सर, सर ऐसी टाइप का लग रहा है, घुटन टाइप का लग रहा है सर। मास्क लगाना जरूरी है? हाँ मास्क है सर, मास्क हम लेके चले हैं सर। डिस्टेंसिंग का पालन करना? हाँ जी, वो तो हम लोग कर रहे हैं सर। ठीक है, आइए हम अपने कुछ व्यवसायियों के पास चलते हैं, जो कि इनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं, इनका व्यवसाय में क्या असर पड़ा है और ये क्या कहेंगे। भाई साहब। हाँ बोलिए भैया। यहाँ पर दुकान लगाए हैं, बहुत दिन बाद दुकान लगाने को मिला। हाँ, ये सेक्टर पूजा पंडाल है, तो हाँ। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप, कैसा है व्यवसाय? ठीक है, चल रहा है। मार्केट चौपट चल रहा है। आप बोलिए, आप बोलिए। मार्केट चौपट चल रहा है। क्यों चौपट चल रहा है? कोरोना चक्कर में। कोरोना का चक्कर में? फिर आप मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क छूट गया घर ने भैया। छूट गया, उसमें तो कोरोना का खतरा है ना, मास्क लगाना जरूरी है। कल से लगाएंगे। लगाएंगे, मास्क लगाना जरूरी है। ठीक है, हम आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत आदमी बोलते हैं कि मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन मास्क लगाते नहीं हैं। और भी लोगों से हम बात करते हैं, इधर का दिखलाते हैं नज़ारा, जो कि अपने अपने इधर 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 सहयोगी को बोलेंगे इधर दिखलाएंगे। ये है सेक्टर 12 दुर्गा मैदान का पूजा, दुर्गा पूजा, जहाँ पर जो भव्य पूजा होती है। अभी लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और सभी की आस्था जुड़ी हुई है, इसीलिए सभी बहुत दिन बाद अपने घर से निकले हैं। अपने साथी को बोलेंगे कि और इधर आगे की तरफ आते हैं, जो कि यहाँ पर झूला आया है लेकिन चालू नहीं हुआ है। अपने साथी को बोलेंगे इधर आगे की तरफ बढ़े। इधर पूरी जैसे सरकारी प्रावधान के अनुसार यहाँ पर लाइट लगाने की अनुमति नहीं गई है, इसलिए इधर थोड़ा अंधेरा है। यहाँ पर दिखलाना चाहेंगे कि झूला आकर के पड़ा हुआ है यहाँ पे। इधर दिखाएंगे, अपने सहयोगी को बोलेंगे जरा दिखाएं। बच्चे झूला पर बैठ करके अपने मन को शांत कर रहे हैं, चूँकि हर एक साल दुर्गा पूजा में बच्चे के लिए तो ये बड़ा त्यौहार है कि दुर्गा पूजा में झूला झूलेंगे, लेकिन इस बार ये कोरोना ने सबको क्षति पहुंचाई है। सरकारी गाइडलाइन के तहत सारे नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया है। ये आइसक्रीम लगा करके सभी अपने ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, आइसक्रीम की दुकान है, आइसक्रीम लोग बहुत दिन बाद घर से निकले हैं ये मेला का लुत्फ लेने के लिए, लेकिन उस तरह से इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना का भय सभी को है। इधर दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे, ये बच्चे जो अटकलियाँ कर रहे हैं झूला पर बैठ करके, झूला चल नहीं रहा है लेकिन इनको उतना ही मस्ती मिल रही है जो पहले मिलती थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर आगे बढ़ेंगे। इधर का नजारा दिखाएंगे, इधर में कुछ अंधेरा है, पूरा लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा के जो भी समिति कमेटी के लोग हैं वो सिर्फ छोटे मोटे पंडाल बना करके ही पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर इधर अपने साथी को बोलेंगे इधर जरा लाएंगे, इधर में प्रशासन भी यहाँ पर है, प्रशासन भी अपने ड्यूटी पे, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, तैनात है। आगे आइए, आगे हम दिखलाते हैं।
यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा जो मजिस्ट्रेट जारी किए जाते हैं, तैनात किए जाते हैं, मजिस्ट्रेट साहब के साथ पुलिस अधिकारी भी बैठे हुए हैं। हम मजिस्ट्रेट साहब से कुछ बात करेंगे। सर, ये आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद। आप यहाँ पर किस पर? यहाँ पर अति प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में है। हाँ, कोरोना का जो खतरा है सर, बहुत दिन बाद ये पूजा का, छोटा मोटा पूजा करने का अनुमति मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें सरकार का गाइडलाइन के तहत मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर विशेष? तो सारे लोग तो सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहे। कहाँ कीजिएगा इसे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है सर। हाँ हाँ, कोरोना अभी है। हाँ, कोरोना तो जहाँ तहाँ है, डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हाँ, करना है, करना है ना। हाँ, और भी लोगों से हम बात करेंगे, आइए यहाँ पर बात करते हैं। बहुत दिन बाद आपको ये पूजा का पंडाल का दर्शन करने को मिला, क्या कहेंगे? बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता, अच्छा है। हाँ, बीते साल बीते वर्षों जो पूजा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ उसमें भी तो वो भी ठीक ही है, कहा कि बीमारी के कारण था ना, कोरोना का कारण, बीमारी के कारण बीमारी था उसमें, बीमारी जो था उससे तो परहेज करना है, बिल्कुल करना है, पालन करना है, एकदम करना है पालन। फिर आप मास्क नहीं लगाए हैं सर? है, मास्क है, इसी से हम इसी से बगल में गाते हैं, चले आए इधर घूमते घूमते पैदल ही, लेकिन अपने सुरक्षित रहना है। हाँ हाँ, मास्क पहनना चाहिए, कोरोना खत्म नहीं नहीं हुआ। और भी लोगों से बात करेंगे। ये देखिए, ये जो नवयुवक छात्र हैं सभी घूम रहे हैं, आइए हम ले चलते हैं पूजा कमेटी के पास, जो कि यहाँ पर भव्य पूजा किया जाता था, लेकिन इस बार सीमित मात्रा में पूजा हो रही है। आइए, और लोगों से बात कर रही है, पूजा के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये अभी कुछ लिख रहे हैं। कोरोना काल जो है दो वर्षों से सभी को परेशान करके रखा है। ये पूजा कमेटी के लोग हैं जो बैठे हुए हैं और सीमित मात्रा में पूजा को कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। पूजा की अनुमति मिली है, क्या कोविड के कारण दो साल से पूजा नहीं थोड़ा करने की अनुमति मिली, इस पर आप क्या चाहिए? बढ़िया चीज़ है, होना चाहिए पूजा, होना चाहिए पूजा, कोई खराब चीज़ थोड़े है। लेकिन वही है कि कोविड का रहती है डर, हम लोगों का इसी लगभग संख्या में लोग कम आ जा रहे हैं, बहुत कम। और भी कमेटी के लोगों से बात करते हैं, कमेटी के आप सदस्य हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे इस बार की बहुत बढ़िया से पूजा हो रहा है और कोरोना गाइडलाइन को मानते हुए उसको किया जा रहा है संचालन। गाइडलाइन का तो कोई पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, कहीं लोग निकल जा रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना के लिए तो खतरा है। खतरा तो है, लेकिन उसको हम लोग तो लेके चल रहे हैं, लेकिन अब बहुत आदमी उसे हैं जो कि नहीं पहनते हैं। आइए हम यहाँ पर जो पूजा कमेटी के अध्यक्ष हैं इनसे बात करते हैं। रुकिए रुकिए, पूजा कमेटी के अध्यक्ष है विनोद जी, इनसे हम जानेंगे। आप यहाँ पर परसों से पूजा करा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले और अभी में क्या अंतर है? हम यहाँ का पूजा 86 से ही चलता आ रहा है, और पहले और अब में बहुत अंतर है। अभी दो साल से खास करके सरकार की गाइडलाइन के तहत जो कोरोना का स्थिति बना हुआ है वो बहुत ही गंभीर है। ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जहाँ तक बात है वो 100% उचित है और करना चाहिए, नहीं तो स्थिति और ख़राब हो सकता है। लेकिन हम तो केवल कहने के लिए ही हैं, बात बाकी तो यहाँ के पब्लिक के ऊपर भी डिपेंड करना है। जी हाँ, फिर भी लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही देंगे कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, ऐसा नहीं हो जाए कि आप अपने गलती से पुनः कुछ मैंने अकस्मात, हाँ, जो तीसरा लहर को मैंने बुला लें। ये थे हमारे सेक्टर 12 पूजा कमेटी के विनोद सिंह, जो वर्षों से पूजा करते आए हैं
और भी लोगों से हम बात करते हैं, अपने साथ सहयोगी को बोलेंगे कि जरा इधर कैमरा दिखाएंगे। पंडाल की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर दिखलाएंगे कि यहाँ पर सेल्फी लेते हुए सभी अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चे सभी सेल्फी ले रहे हैं। सभी को मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उमंग जगा है, लेकिन फिर भी कोविड का पालन करना है और अपने आप को सुरक्षित रहना है। ये है सेक्टर 12 दुर्गा पूजा पंडाल, जहाँ से हम आपको सीधी बाइस्कोप के द्वारा तस्वीर दिखला रहे हैं। आइए अंदर की तरफ का दृश्य कुमार और माता के पास चलते हैं। यह है सेक्टर 12 पूजा पंडाल, जो कि सरकारी गाइडलाइन के तहत यहाँ पर पूजा का आयोजन किया गया है। और पूजा जो कि सरकारी गाइडलाइन में है कि 5 फीट से अधिक मूर्ति नहीं बनाना है, भव्य पंडाल नहीं बनाना है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अपने सहयोगी को बोलेंगे कि पीछे की तरफ जरा दिखलाते हैं, और भी एक दो लोगों से बात करते हैं। और बहुत दिन बाद आप घूमने आए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये कोरोना काल में तो बहुत ही मैंने आश्चर्य है, ये सब जो यहाँ पे जितना सेक्टर 12 में मेला उला टाइप का लगता था, बच्चों लोग का जो है घूमने उमने का वो आस्था मतलब अब रहा नहीं। क्यों डरे से हमें सब लोग हैं? क्यों डरे हुए? कोरोना को लेके और क्या कोरोना से अभी भी भय है, भय है, भय अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ जी सर। मास्क तो अभी छूट गया, गलती तो हम खुद कर रहे हैं, बट लगाना चाहिए। जरूर जरूर डिस्टेंसिंग का पालन जरूर जरूर जरूर, बस इसी सुरक्षित रखना है जी, परिवार को ही सुरक्षित रखना जी, इसी कारण है कि हम लोग का साथ जो दूरी दूरी से चल रहे हैं हम लोग, बस वही है मन में जो उत्साह नहीं है। एक होता था कि चलिए यहाँ का मीना बाजार या मार्केट लगा हुआ है, उस तरह का है नहीं, जिसके डरे से डरे हम लोग हैं। अजीत कुमार गुप्ता हुआ, ये थे अजीत कुमार गुप्ता जो बोल रहे हैं कि सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आइए हम मैडम से बात करते हैं। मैडम, मैडम क्या हो गया? बहुत दिन बाद मेला घूमना है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम, अच्छा लग रहा है, लेकिन बट पहले जैसा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? ये कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से? यस सर, कोरोना से कहीं न। हाँ यस यस यस, भाई अभी भी है। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर आपने मास्क नहीं लगाया है मैडम, सॉरी सर। आप लोगों को क्या ये हाँ बिल्कुल कि मैं खुद डिसिप्लिन में नहीं हूँ तो दूसरों को क्या डिसिप्लिन में रखूँ? बिल्कुल लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना। सोशल डिस्टेंस दूरी बना के रखे, खुद ब खुद सुरक्षित रहे, लोगों को सुरक्षित रखें, यही। ये तो श्रद्धालु जो कि ये एडवाइस भी दे रहे हैं कि अपने सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। हम आपको बता दें कि ये बीते दो वर्षों में जो कोरोना ने कहर मचाया है, इसे पूरे विश्व पर असर पड़ा है, इसके साथ ही सारे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, सरकारी गाइडलाइन के तहत थोड़ी सी अनुमति दी गई है, लेकिन फिर भी लोग अपने आप को सतर्क नहीं रख पा रहे हैं। मैं बोकारो से चुमन कुमार, आप देखते रहिए बाइस्कोप।